नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है नाभिक। दोस्तों इसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 13.11। दोस्तों पिछले कुछ सेशंस में हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है नाभिकीय विखंडन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय का मतलब तो चलिए नाभिकीय अभिक्रिया से है कि एक ऐसी अभिक्रिया होगी या कोई ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें नाभिक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन शब्द का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक। तो नाभिकीय संलयन, जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में नाभिकीय संलयन पढ़ा था, ठीक है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। अभी उल्टा हो रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, पूरा उल्टा काम हो रहा है। अभी क्या होगा, एक बड़ा नाभिक होगा, एक भारी नाभिक होगा, वो टूट जाएगा, दो हल्के नाभिकों में, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में वो टूट जाएगा, ठीक है। और जब वो टूट जाएगा दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन, ठीक। देखिए तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई भारी नाभिक दो अथवा अधिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है एवं कुछ मात्रा में ऊर्जा विकृत होती है या मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया यूरेनियम में देखने को मिलती है। आप देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आप यूरेनियम भी दो प्रकार के होते हैं, जानते ही होंगे, ठीक है। एक होता है, एक ये वाला यूरेनियम होता है 92 यूरेनियम 235 और एक होता है 92 यूरेनियम 238, ठीक है। तो दो प्रकार के यूरेनियम होते हैं, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238, ठीक है। ये दो प्रकार के जो यूरेनियम है, इसमें से हमने यहाँ पे 235 ये वाला यूरेनियम लिया है, 92 यूरेनियम 235, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब आप यूरेनियम के एक परमाणु पे कोई मंद गति का न्यूट्रॉन आपतित कराते हैं, तो मंद गति का न्यूट्रॉन जब इस यूरेनियम के नाभिक पर गिरेगा तो यूरेनियम का नाभिक क्या करेगा, उसे कैप्चर कर लेगा, उसे अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद ये यूरेनियम का नाभिक दो नाभिकों में टूट जाएगा, किसमें, बेरियम में और क्रिप्टन में, ठीक है, और तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। यहां पे देखिए जो अभिक्रिया बनाई गई है, अभिक्रिया लिखी गई है, ये यही दिखा रही है कि सबसे पहले क्या हुआ, एक मंद गति का न्यूट्रॉन आया, किस पे गिरा, 92 यूरेनियम 235 के नाभिक पर। अभी क्या हुआ, नाभिक ने उस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया, उसको सोख लिया और सोखने के बाद क्या हुआ, 92 यूरेनियम 236 बनता है बहुत थोड़े से समय के लिए, ठीक है, बहुत थोड़े समय के लिए इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि 92 यूरेनियम 236 जो है वो बहुत ही अल्प समय के लिए बनता है। उसके बाद क्या होगा, यही नाभिक जो है वो टूट जाएगा दो नाभिकों में, 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टन 89, दो भागों में टूट गया और तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी यही चीज यहां पे दिखाई गई है कि यूरेनियम दो भागों में टूटा, बेरियम और क्रिप्टन में, और तीन न्यूट्रॉन निकले। ये तीन न्यूट्रॉनों ने क्या किया, अलग अलग यूरेनियम के अलग अलग परमाणुओं पर जा गिरे और फिर से वही काम होगा कि ये तीनों न्यूट्रॉन तीन अलग अलग यूरेनियम परमाणु के ऊपर गिरेंगे और फिर वो तीनों यूरेनियम परमाणु फिर से टूटेंगे और फिर से बेरियम और क्रिप्टन बनेंगे और फिर से तीन न्यूट्रॉन निकले, तीन न्यूट्रॉन, और टोटल देखिए अभी 9 न्यूट्रॉन निकल आए। यही घटना आगे चलेगी, फिर ये 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम एटम पे गिरेंगे और फिर से यूरेनियम एटम टूटेगा, फिर उससे फिर तीन तीन निकलेंगे, ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती जाती है और अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक सारे यूरेनियम के नाभिक जो है वो विखंडित नहीं हो जाएंगे, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और आपको पता है हर एक प्रक्रिया में यहाँ पे ऊर्जा निकलती है, ठीक है, तो हर प्रक्रिया में ऊर्जा की मात्रा निकलती जाएगी और जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती जाएगी निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा उतनी ही ज्यादा होने लगेगी और वो ऊर्जा कोई प्रचंड रूप भी ले सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब एक छोटा सा टॉपिक है जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको याद होगा जब आपने नाभिकीय संलयन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु जो है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु
के सिद्धांत पर काम करने वाला जो बम होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम बेसिकली किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, वो कार्य करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। और मैंने आपको बताया था कि नाभिकीय संलयन में खासियत क्या होती है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो जब नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे बना है हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम में भी इतनी ऊर्जा निकलेगी कि उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक होता है। जबकि परमाणु बम की अगर हम बात करें, यानी एटम बम की बात करें, तो एटम बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो भी ऊर्जा निकलती है उस पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण होता है। तो जब ऊर्जा नियंत्रित रहेगी तो परमाणु बम फटेगा तो जितनी भी ऊर्जा निकलेगी वो ऊर्जा नियंत्रित है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि परमाणु बम के फटने से उतनी क्षति नहीं होती है जितनी क्षति हाइड्रोजन बम के फटने से होती है, क्योंकि परमाणु बम में निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बम में निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, और परमाणु बम जो है, एटम बम जो है, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए, अभी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारा देखिए दोस्तों, ठीक है। अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, ठीक, और हम लोग इस चैप्टर में जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो नाभिकीय अभिक्रिया है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे कि नाभिकीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें पूरा पूरा परमाणु नहीं भाग लेता, केवल उस परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे हमने अल्फा क्षय, बीटा क्षय या गामा क्षय की बात करी, तो उसमें अल्फा, बीटा या गामा किरणें जो होती हैं वो नाभिक से निकलती हैं, ना कि पूरे परमाणु से, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रियाएं, ठीक है, ये एक नाभिकीय प्रक्रियाएं हैं, ठीक। जबकि केमिस्ट्री में जो आप लोग रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पूरा पूरा परमाणु भाग लेता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है, वो अलग है। यहाँ पे हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो टॉपिक अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल लॉन्ग में आते हैं और है बहुत इजी, तो आइए इसको फटाफट सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स प्लस ए गिव्स आउट वाई प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स को हम लोग बोलते हैं जनक परमाणु, जनक नाभिक, ठीक है, यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाई, और ए जो है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित कण, आपतित कण, ठीक है, आपतित कण यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल। और वाई क्या है, वाई जो होता है ये है परिणामी नाभिक, क्योंकि एक्स प्लस ए गिव्स आउट वाई प्लस बी, ये वाई जो है वो कोई दूसरा नाभिक है, ठीक है। जैसे ये जनक नाभिक था और ये बनने वाला नाभिक जो है, जो फाइनली बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, परिणामी नाभिक। और बी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कण, ठीक है, यानी कि आउटगोइंग पार्टिकल, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, कहते हैं इस रिएक्शन का मतलब समझिएगा, कोई एक जनक परमाणु था, जनक परमाणु का मतलब होता है जहां से चीजें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, पेरेंट इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट, पेरेंट्स हमारे कौन होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जनक नाभिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए यही नाभिक सबसे पहले मौजूद था। कोई एक कण है उसका नाम ए रख दिया है, ठीक है, कोई एक कण है ए जो है वो उस पे आके गिरेगा, जब वो उस पे आके गिरेगा तो अंदर कुछ प्रक्रिया होगी, उसको अवशोषित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों बदल जाएंगे, ठीक है, ये नाभिक जो है वो बदल जाएगा किसी दूसरे नाभिक में, वाई में, और इस नाभिक को हम लोग बोल रहे हैं परिणामी नाभिक। परिणामी नाभिक का मतलब होता है कि जो नाभिक बनना था वो बन चुका है, एक्स जो नाभिक था वो उसने अपना अस्तित्व खो दिया और किसी दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो गया, और एक दूसरा कण बी जो है वो निकल आएगा, जिसे हम लोग निर्गत कण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां समझिएगा, अगर हम ये मान ले कि इन सब के द्रव्यमान कितने हैं, अगर हम ये मान ले कि भाई इसका द्रव्यमान कितना है, ये जो कण है, सॉरी, ये जो नाभिक है इसका द्रव्यमान कितना है एम एक्स, और ये जो कण है इसका द्रव्यमान कितना है स्मॉल एम, यानी नाभिक जो है इसका द्रव्यमान कितना है कैपिटल एम वाई, और जो दूसरा कण है उसका नाभिक, उसका द्रव्यमान कितना है एम वाई, ठीक है, सॉरी एम बी, ठीक। तो देखिए यहां पे होता क्या है कि अगर आप इन चारों के द्रव्यमान को मान लीजिए, यहां पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो नाभिक हैं, नाभिक का द्रव्यमान मैंने कैपिटल एम से लिखा है
और कण का द्रव्यमान मैंने स्मॉल m से लिखा है, तो x नाभिक जो है उसका, ये नाभिक है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, कैपिटल m, ठीक है, ये नाभिक है तो द्रव्यमान कितना होगा, कैपिटल m, ये कण है तो द्रव्यमान कितना होगा, स्मॉल m और स्मॉल m, ठीक है। चलिए अभी यहां पे समझिएगा भाई, ये जो जनक नाभिक था ये स्थिर था, ठीक है, दूसरा कण कोई है ए, वो दौड़ता हुआ आया उसके पास, तो एक्स नाभिक जब स्थिर था मतलब कि रेस्ट पोजीशन में था, स्थिर था तो इसका कोई वेग तो होगा नहीं, और इसका कोई वेग नहीं है तो गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी, ठीक है, और कण ए की गतिज ऊर्जा होगी, कण ये जो परिणामी नाभिक वाई निकला है इसकी गतिज ऊर्जा होगी, और ये जो निर्गत कण है बी उसकी भी अपनी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप ये देखिए कि समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाइए। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो नाभिकीय अभिक्रिया हो, ठीक है, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाइए, समीकरण के बाएं पक्ष में कुल ऊर्जा, देखिए कुल ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए यहां पे अगर किसी कण का द्रव्यमान m है तो उसकी स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, कितनी हो जाएगी, e बराबर mc स्क्वायर, ठीक है, इतनी ऊर्जा हो जाएगी, ये हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी होती है, स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा, ये वही है जो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं, ये वही है, ठीक है। तो जनक नाभिक x के लिए काम करिए, तो जनक नाभिक x की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mx into c square, ठीक है, और जनक नाभिक की कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि जनक नाभिक क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कण ए की, कण ए के लिए स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कण का द्रव्यमान ma into c square, और कण ए की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ea, ठीक है, ए की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ea, ठीक, अच्छा इक्वल बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होनी चाहिए समीकरण के दाएं पक्ष में कुल ऊर्जा के, समीकरण के दाएं पक्ष में आइए देखते हैं, समीकरण के दाएं पक्ष में नाभिक है y, तो y नाभिक की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा m y into c square, और परिणामी नाभिक y की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, e y, गतिज ऊर्जा को मैं यहां पे e से लिख रहा हूं, ठीक है, तो चलिए कितना हो गया, e y प्लस, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कण b के बारे में, तो कण b के लिए स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा निकालिए, कैसे निकालेंगे, कण b का द्रव्यमान कितना है, mb into c square प्लस कण b की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, eb, ठीक है। चलिए अभी यहां से हम लोग को करना क्या है, हमको यहां से ea माइनस, ठीक है, वैल्यू निकालिए, eb प्लस ey माइनस ea, ea को माइनस ea को उधर ले गए, ठीक है, कितना बचेगा, ये बचेगा mx c स्क्वायर प्लस ma c स्क्वायर माइनस my c स्क्वायर और माइनस एम बी सी स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा चलिए ठीक है, अभी इसको आप थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि ई बी प्लस ई वाई माइनस ई ए इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस एम ए, ठीक है, इसका द्रव्यमान ऐड कर लिया, फिर माइनस लगाया ब्रैकेट के अंदर, एम वाई प्लस एम बी का द्रव्यमान ऐड कर लिया, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहां पे हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा अभी यहां पे हमें क्या करना है, इसको मैं रफ करता हूं, हमें अभिक्रिया का क्यू मान निकालना है, तो अभिक्रिया का क्यू मान निकालने के लिए क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी प्लस ई वाई, ठीक है, ई बी प्लस ई वाई माइनस का ई ए, ये फॉर्मूला है अभिक्रिया का क्यू मान निकालने का, ठीक है। तो यहां पे हम ये चीज देख रहे हैं कि EB प्लस EY माइनस का EA बराबर है किसके, क्यू मान के, क्यू वैल्यू के, ठीक है। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ध्यान रखिए EB क्या है, निर्गत कण B की गतिज ऊर्जा, EY क्या है, परिणामी नाभिक Y की गतिज ऊर्जा, EA क्या है, आपतित कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है, उत्पाद पक्ष की कुल गतिज ऊर्जा, और ये अकेला है क्योंकि जनक नाभिक x की कोई गतिज ऊर्जा नहीं है क्योंकि वो
रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है। तो ये जो माइनस के बाद ईए लिखा है वो क्या है, वो अभिकारक पक्ष की कुल गति जुड़ जाए, ठीक है। तो परिभाषा के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान, किसी नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान उत्पाद पक्ष की कुल गति ऊर्जा एवं अभिकारक पक्ष की कुल गति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। एक बार फिर सुनिएगा, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पाद पक्ष की कुल गति ऊर्जा एवं अभिकारक पक्ष की कुल गति ऊर्जा के मध्य अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का क्यू मान बोलते हैं, ठीक है, अभिक्रिया का क्यू मान बोलते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, यहां पे रखिए क्यू इज इक्वल टू, अब हमें इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ईबी प्लस ईवाई माइनस का ईए, ठीक है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है, ये हो गई है एम एक्स प्लस एम ए माइनस एम वाई प्लस एम बी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इंटू में सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये जो फॉर्मूला निकला है, ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। अच्छा यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर यहां पे अभिकारक पक्ष में x प्लस ए की जगह कोई और तीसरा कण भी होता तो यहां पे उसका द्रव्यमान ऐड कर दिया जाता, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहां पे उत्पाद पक्ष में इन दो के अलावा कोई तीसरा कण भी होता तो उसका द्रव्यमान यहां पे ऐड कर दिया जाता, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, तो ये तो टॉपिक यहां पे समाप्त हुआ, अब हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर ये फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, अभी हमने पढ़ा कि क्यू मान कितना आया था, क्यू मान आया था एम एक्स प्लस एम ए माइनस एम वाई प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। अभी यहां पे केस बनता है, केस वन केस टू, देखिए केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है अगर ऐसा हो गया कि एम एक्स प्लस एम ए की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई, किससे, एम वाई प्लस एम बी से ज्यादा हो गई, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई तब क्या होगा, तब देखिए अगर एम एक्स प्लस एम ए का मान ज्यादा है, एम वाई एम बी का मान कम है, तो देखिए ये जो आगे वाला टर्म लिखा है ये बड़ा है, पीछे वाला टर्म छोटा है, तो अगर किसी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं तो वो वैल्यू कितनी आती है, पॉजिटिव, तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब क्यू का मान जीरो से बड़ा होगा, तब इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हो जाती है, इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी क्योंकि क्यू का मान पॉजिटिव आ रहा है, और अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी कहलाती है, यानी कि एक्सोथर्मिक कहलाती है। और तीसरा पॉइंट, इस प्रकार की अभिक्रिया स्वतः हो जाती है, ठीक है, ठीक है, अभिक्रिया स्वतः हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं केस टू की, ठीक है, केस टू समझिएगा, केस टू क्या है, केस टू है एम एक्स प्लस एम ए, अगर एम एक्स प्लस एम ए का मान छोटा हो जाए, किससे, एम वाई प्लस एम बी के मान से छोटा हो जाए, तब क्यू का मान कितना होगा, जीरो से छोटा होगा, और जब क्यू का मान जीरो से छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, जब क्यू का मान जीरो से छोटा होगा तब क्या होगा, सारे केस उल्टे पड़ जाएंगे। जैसे पहले वाले केस में क्या था, क्यू का मान पॉजिटिव था, मतलब ऊर्जा निकल रही थी, अब क्या होगा, अभिक्रिया में ऊर्जा निकलेगी नहीं, अभिक्रिया को ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ेगी। सेकंड, अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, जब अभिक्रिया में आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अभिक्रिया ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक कहलाती है, ठीक है। और थर्ड, इस प्रकार की अभिक्रिया स्वतः नहीं होती, इस प्रकार की अभिक्रिया का जब आप ऊष्मा देंगे तब होगी, ठीक है, अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। चलिए तो ये तो था दोनों में अंतर, केस वन और केस टू, आप देख रहे हैं कि कैसे कब अभिक्रिया में ऊर्जा निकलेगी और अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी कहलाई जाएगी और वो स्वतः हो जाएगी। दूसरे केस में कब अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ेगी, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब वो अभिक्रिया होगी, ठीक है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी कहते हैं, ऊष्मा मतलब
आप जान ही रहे हीट और शोषी मतलब कि उस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी और वो अभिकारक क्या करेंगे ऊष्मा को सोख लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, तब वो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, और इस प्रकार की अभिक्रिया कभी भी स्वतः नहीं होगी, आपको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपके एनर्जी का वहां पे वेट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया में क्यू का मान ज्ञात कीजिए या क्यू के मान की गणना कीजिए। ठीक है, क्यू मान की गणना कीजिए। अभी देखिए यहां पे एक आपको रिएक्शन दे रखी है, 92 यूरेनियम 235, ठीक है, 92 यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन गिरेगा और वो जो यूरेनियम है वो दो अलग अलग नाभिकों में टूट रहा है, किसमें, जीनॉन में और स्ट्रॉन्शियम में। जीनॉन स्ट्रॉन्शियम के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दे रखी है और दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और यहां पे कुछ ऊर्जा निकल रही है, आपको इसी क्यू मान की गणना करनी है, क्यू मान की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है क्यू मान की गणना करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि एम एक्स, ठीक है, एम एक्स प्लस एम ए माइनस, ठीक है, यहां क्या था, एम वाई प्लस एम बी और बाहसी स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए यही चीज हो रही है। ठीक है, आप इसकी तुलना कर लीजिए तो ये जो दिया है यूरेनियम वो क्या है, वो एम एक्स है और यहां पे न्यूट्रॉन जो गिर रहा है वो क्या है, वो आपका एम ए है, मतलब ये कण का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये जो नाभिक बन रहा है ये आपका एम वाई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तीन लोग हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ बढ़ा लीजिए, इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाता हूँ, समझिएगा करना क्या है, पहले आपको अभिकारक पक्ष में जितने भी लोग हैं सबका द्रव्यमान लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर आपको उत्पाद पक्ष में जितने भी कण दिख रहे हैं जितने भी नाभिक दिख रहे हैं सबका द्रव्यमान लिखना है और फिर आपस में दोनों को माइनस करना है। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्यू मान की वैल्यू लिखूंगा। तो सबसे पहले यूरेनियम का द्रव्यमान जो कि ये है, कितना है, ये हो जाएगा आपका 235.0439। ठीक है, प्लस इसमें न्यूट्रॉन बाएं पक्ष में यानी अभिकारक पक्ष में न्यूट्रॉन भी तो है, यूरेनियम के द्रव्यमान में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ना पड़ेगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 1.00867। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे। अभी उत्पाद पक्ष की बात करते हैं, उत्पाद पक्ष में देखिए जीनॉन है, स्ट्रॉन्शियम है और दो न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, इनका द्रव्यमान भी ध्यान रखिएगा। तो जीनॉन का द्रव्यमान पहले लिखते हैं, कितना है, 139.9054 प्लस इसमें स्ट्रॉन्शियम का द्रव्यमान जोड़ा जाएगा जो कि है 93.9063। ठीक है, 93.9063। ठीक, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा दो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.00867। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी इसके बाद बाहर ब्रैकेट करके यहां पे हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे और सी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहां देखिए हमने क्या किया, यहां तक हम आ गए थे, इसके बाद हमने ये दोनों वैल्यूज को जोड़ा, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो इतना आया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे द्रव्यमान आपने एएमयू में लिखे हैं तो एएमयू में जोड़ के आपस में सॉल्व करेंगे, जोड़ घटा के, तो जो आंसर आएगा वो भी एएमयू में ही आएगा। तो कितना आया, 0.22353 एएमयू को मल्टीप्लाई किया है सी स्क्वायर से। आपको पता है अगर आप एक एएमयू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो एनर्जी आती है उसको आप जूल में एनर्जी आएगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फाइनली कितना जवाब आता है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एएमयू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर इतनी 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है। तो इतने एएमयू द्रव्यमान को सी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितनी की एनर्जी मिलेगी, कैसे पता चलेगा, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और फाइनली आंसर कितना आएगा, क्योंकि वैल्यू आएगी 208.32996 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप क्यू मान की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, बस आपको करना क्या होता है, क्यू मान इज इक्वल टू अभिकारक पक्ष में सभी कणों का, सभी नाभिकों का द्रव्यमान वो पहले ब्रैकेट में लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर आपको उत्पाद पक्ष में जितने भी कण हैं, जितने भी नाभिक है सबका द्रव्यमान लिख के यहाँ पे जोड़ना है, फिर दोनों को घटाना है, अभिकारक पक्ष में टोटल द्रव्यमान माइनस उत्पाद पक्ष में टोटल द्रव्यमान, दोनों को घटा लेंगे, जो आएगा वो आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, 5 नंबर में। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है।
इस लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।